गुलबर्गा शहर के कनाडा भवन में सेल्फ रिलायंट विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माइनॉरिटी राइट डे के मौके पर 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कंपटीशन में नूरी पब्लिक स्कूल और शहर के दीगर स्कूल से 10th क्लास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस मौके पर एप्टीट्यूड टेस्ट क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर जीत हासिल करने वालों में फर्स्ट विनर को सर्टिफिकेट और मेमेंटो के साथ 10,000 रुपया कैश प्राइज दिया गया है। सेकेंड विनर को सर्टिफिकेट और मेमेंटो के साथ 5,000 रुपया कैश प्राइज दिया गया है। बाकी दीगर विनर्स को सर्टिफिकेट और गिफ्ट वाउचर दिए गए हैं। इस कंपटीशन में नूरी पब्लिक स्कूल के 10th क्लास स्टूडेंट्स ने सेकेंड और थर्ड प्राइज हासिल किया है। नूरी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को जीत हासिल करने पर स्कूल मैनेजमेंट और सेल्फ रिलायंट विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने सर्टिफिकेट, मेमेंटो और कैश प्राइज देते हुए हौसला अफजाई की है। नूरी पब्लिक स्कूल गुलबर्गा शहर के रिंग रोड रफीक चौक पीर बंगाली दरगाह के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जा रही है, जिससे स्टूडेंट्स की दुनिया और आखिरत बेहतर बनाया जा सके। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन, ओपन बेड, एसी एंड नॉन एसी लॉज, वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी, सेपरेट लॉकर, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर, डिलक्स स्टे एंड मच मोर। एड्रेस सुपर मार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। One of the results I'm going to announce. Let me brief you about this, that on the eve of Minority Day, for the 10th standard school level aptitude test competition was organized by Self-Reliant Vision Educational and Charitable Trust, Kalburgi. In which many schools, 10 standard students, they participated. Among that, Nuri Public School students also participated in it. And it's really a great honor and a proud moment that one of our students, named Samia Aladdin, she stood second place. She has received a certificate, memento, and a cash prize of 5,000. So this is a big round of applause for this girl. She has really brought a good name to the institution, to the proud parents, and to all the teachers. And the third place goes to Samia Aladdin. Congratulations, very many congratulations, a round of applause, everybody. प्यारे बच्चों, आज कहीं मेरे लिए बड़ी खुशी शादमानी का मसल कहीं है कि मैं आज हमारे अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी हासिल करते हुए देख रहा हूँ। लेकिन हम इस बात की कोशिश करें, मैं हर स्टूडेंट के लिए बात कह रहा हूँ कि हम इस बात के लिए कोशिश करें जिस हर बच्ची, हर बच्चा, हर लड़का और लड़की अव्वल दर्जे पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जो है इवेंट में अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल करने का अजीम फायदा है। हमारे अंदर जो है इस बात की पूरी जो है जस्तजू और कोशिश होनी चाहिए कि मैं बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आप को जो है लिए और हर एक के लिए, सबके लिए बात खास तौर से मैं ये कहूंगा, कामयाबी हासिल करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे दूसरे को हराना है। कामयाबी हासिल करना इसलिए होना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा बेहतर बनना है, बहुत ज्यादा बेहतर बनना है। उस बेहतर बनने के मकसद और उसका एम
है वो ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को बेहतर बनाकर मैं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को मैं बेहतर जो दे सकता हूँ वो देने के लिए मैं अपने आप को बेहतर बनाऊ, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और आप यकीन जानिए कि दुनिया उसी की कदर करती है जो इंसान अपनी काबिलियत को, अपनी क्वालिटी को जो है निकालता है, अपनी क्वालिटी को जो है ना जाहिर करता है, उसी की दुनिया कदर करती है। ये जो ट्रस्ट के साथ भी इस ट्रस्ट मोहम्मद आसिफ साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी जो है कोशिश की है कि इसके जरिए से बच्चों के अंदर छुपे हुए स्किल्स, वो खूबियां इंशाल्लाह बाहर आएंगी और जो है इस तरह से बच्चे जो है हर मैदान में अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते रहेंगे। मैं हर तालिबे इल्म से इस बात के लिए कोशिश गुजारिश करूंगा कि आज हमने एक बच्चे ने ये जो है इनाम हासिल किया है, एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा इस बात के इनाम हासिल करेगा। So, good morning everyone. So, how are you all? So, great. I can understand why your faces. Your interest is really great. So, first of all, I would like to thanks the management of Muluk Public School and same time I would like to congratulate for second place which we were conducted the year. And same time, I would like to thank our principal sir, also headmaster. I am very much grateful for him who allowed me to interact with students and to conduct the examination that day. So, students, my name is Mohammad Asim. I am running an NGO by name Self Reliant Vision. It's an educational and charitable trust. So, whenever we get time and opportunity, we organize such events for the welfare of students, like aptitude test, general knowledge test, science quiz, even sports we organized in our past days. So this kind of activities empower students' skills. So that is the reason we always try our level best to organize events time to time. So this time on 18th December, it was observed as a minority rights day for India. So we took this opportunity and we organized a 10th standard school level aptitude test competition. So we created this platform so that the students can show their mental ability and skills. So I really appreciate that the Muluk Public School has secured second place. It's a great privilege for school and I'm very much delighted such a school has secured second place. So it's a really appreciable moment for me also, and same time I would like to congratulate the winner Umera for securing second place and the third place also secured by Muluk Public School. Second prize was cash of 5,000 and memento certificate. So this was issued to students. So inshallah in future also if time permits, so definitely we will come to you and we will conduct such events. And once again I would like to thanks all the staff, even class teacher and all management and principal sir and all the students, especially Umera Tanzeem for securing second place. I really thanks from my heart. Thank you very much students. Best of luck for your future studies.